पानीपत में आज दो जगह बच्चा उठाने की वारदातों की खबर सामने आई है। एक ओर जहां सैनिक कॉलोनी से घर वापस हरिनगर लौट रही तीन बच्चियों को स्कूटर सवारों द्वारा साथ ले जाने की कोशिश की गई, बताया जा रहा है कि बच्चियों ने स्कूटर सवारों को साथ जाने से मना कर दिया और अपने घर की तरफ दौड़ गई। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमें नहीं बैठना, फिर हम डरते चिल्लाते भाग आए घर पे। कौन कौन थे बेटा तुम? तीनों थे। अब वो कौन थे, कहाँ, किस चीज़ पे थे, वो क्या ले रहे थे? वो स्कूटरी पे थे। तो फिर किसने, किसको बुलाया तुम लोगों ने? क्या नाम है तुम्हारा? आज बच्चों को उठाने की कोशिश की गई, फिर मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि आज हमें स्कूटी वाला आया और उन्होंने हमें बैठाने की कोशिश की गई। तो बच्चों ने कहा हम नहीं बैठेंगे, फिर पीछे से ये दो बच्चे बड़े आए, इनको भी कोशिश की गई बैठाने की, तो इन बच्चों ने मना कर दिया कि हम अपने आप घर चले जाएंगे। उसके बाद ये चले आए, वो चले गए। उसके बाद हम चाहते थे कि पहले पुलिस में जाएँ, लेकिन हमने पुलिस में जाने के बजाय आप लोगों को कॉल करने का सलाह। पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ FIR दर्ज कर लेता है और कोई कार्रवाई नहीं करता, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। पानीपत में आए दिन बच्चे उठ रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है। हम चाहते कि पुलिस प्रशासन को टाइट किया जाए और इसको अहम कदम उठाया जाए। क्या नाम? मेरा संदीप राणा, जिला जो बच्चा स्कूल से आया भागते भागते बोला पापा आज हमको एक स्कूटरी वाला मिला था, वो बोला था मेरी स्कूटरी पे बैठो मैं तुमको तक ढील देते हैं। अच्छा, तले में भाई आ गया तो मैंने बोला मैं नहीं बैठती जी। अब बस कितने बच्चे को बिठाने की कोशिश करते हैं? इनको तीन। कितनी उम्र थी, क्या नाम था? ये है जब 15 साल की है। हमारे को सूचना मिली थी भी दो बच्चों को उठाने की कोशिश की गई है, तो हम मौके पर उसी टाइम पहुंच गए थे और बच्चों से पूछताछ की थी। बच्चे भी अभी श्योर नहीं है कि एक थे, दो थे, तीन थे, एक्टिवा किस कलर की थी। हमने फुटेज वगैरह भी चेक किए, अभी ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया। अवेयरनेस के लिए जैसे बच्चे बता रहे हैं कुछ अवेयरनेस करेंगे, हम उसकी तय तक जाएंगे, अस्पतालों को बताएंगे, सभी अपने बड़े अफसरों को बताएंगे, तहसील कैंप चौकी के सुपुर्द किया गया। दोनों ही मामलों में सच्चाई क्या है पुलिस पता लगा रही है। कुछ अफवाहों का बाजार गर्म है और हकीकत भी कुछ सामने आ सकती है। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें और उनका पूरा ध्यान रखें। क्या मामला सारा ये? मामला ये था कि जैसे कि आज देखा कि शाम का टाइम था, हम दुकान में बैठे हुए थे कि शोर मच रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ देखा कि अंदर एक आदमी बच्चा चोर उठाने में आया हुआ था, वो बच्चों को 10 का नोट दे के लालच दे रहा था कि चलो मेरे साथ चलो। उसने एक नोट दिया, फिर थोड़ी देर बाद वो एक नोट और देने लगा, वो उसे उठा के अपने साथ ले के जाने लगा। इस तरह की जो वारदातें आजकल बहुत चल रही हैं, इसमें सरकार का क्या फैसला ले रही है और क्या चल रहा है? तो फिर लड़के के परिजनों ने क्या बताया? वो उनके परिजनों ने बताया कि हम यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ये बाहर खेल रहा था, ये उसको वहाँ से ट्रॉफी का लालच दे के उसे वहाँ से ले आया है। वो इतनी देर में बाहर ढूंढने लगे तो इसको यहाँ देखा कि एकदम ढूंढने लगे तो इतनी देर में इसको यहाँ पकड़ लिया, तो इसको मंदिर में ले गया तो इसको फिर थोड़ी पिटाई स्टाई करी है इसकी, तो इसको अब तहसील कैंप चौकी में ले गए हैं। क्या रहा था क्या नाम बच्चे का? कहाँ रहते हैं आप लोग? तो यहाँ क्या करने आए थे मंदिर में? अरे वो हमको लिवाने आए थे, हम इन झंडे में काम कर रहे हैं।
क्या देखा आपने? उसने 20 रुपए दिए बच्चे को। बोलिए। 20 रुपए दिए उसने बच्चे ने बच्चे को, तो एकदम उसकी माँ भी खड़ी बेचारी बैठी थी और बैठ करके उसने उसको लालच दे दिया बंडल का, पता नहीं उसको मुंह से क्या हवा निकली क्या नहीं निकली, पटाखा उठा कंधे पर भाग लिया बच्चे को कंधे पर उठा के। हाँ। फिर आप मौके पे थे उस समय? उस टाइम था। फिर कैसे बचाया बच्चे को? बच्चे को क्या पकड़ लिया जी मैंने, छोटे था बच्चे को, फिर बच्चे को छोटे था, छोटा के लात मारी साढ़े के। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार।